नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत मनाया जाता है। यह व्रत संतान की सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस वर्ष 18 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत मनाया जाएगा। हालांकि अष्टमी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को दोपहर 2:14 से हो जाएगी और समाप्ति 18 सितंबर को शाम 4:32 पर होगी, परंतु किसी भी पर्व को उसकी उदय तिथि के हिसाब से मनाया जाता है और उस अनुसार जीवित पुत्र का व्रत 18 सितंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 6:34 तक सिद्धि योग रहेगा। यह किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। अगले दिन यानी 19 सितंबर को पारण के लिए शुभ दिन माना गया है। पारण का समय सुबह 6:10 के बाद से शुरू होगा, यानी कि सुबह 6:10 के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। यह पर्व केवल एक दिन का पर्व नहीं है, अपितु इस पर्व को 3 दिन लगातार मनाया जाता है। पहले दिन यानी कि 17 सितंबर को महिलाएं नहाए खाए का पर्व मनाती हैं। इस दिन वे सुबह स्नान आदि करके पूजा पाठ करती हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाती हैं। जो लोग मांसाहारी हैं वे इस दिन मछली का सेवन भी करते हैं। वहीं शाकाहारी महिलाएं इस दिन मड़ुए के आटे से बनी रोटियां खाती हैं, साथ ही नोनी का साग भी खाती हैं और इसी के साथ कई जगहों पर तो आटे और गुड़ से बने रोट भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इस दिन बनाए जाने वाले भोजन को खासकर घी और सेंधा नमक का इस्तेमाल करके बनाना चाहिए। नहाए खाए के दिन यही सब खाकर महिलाएं अपने जीवित पुत्र का व्रत की शुरुआत करती हैं। परंपरा होने के साथ साथ मड़ुआ और नोनी का सेवन करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। किसी भी लंबे उपवास से पहले इसका सेवन करने से कब्ज की परेशानी नहीं होती है। वहीं मड़ुआ भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसे भी एक दिन पहले खाने से सेहत ठीक रहती है। इसके बाद महिलाएं रात में चील और सियार की भी पूजा करती हैं। इसके पीछे पौराणिक कथा तो है ही, साथ ही ऐसा करने से मनुष्य का प्रकृति के प्रति लगाव बढ़ता है। तो नहाए खाए का दिन कुछ इस प्रकार समाप्त हो जाता है। फिर अगले दिन महिलाएं अपने संतान की सुख प्राप्ति के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। यह निर्जला व्रत 24 घंटे से भी ज्यादा तक का होता है। व्रत के पूजा पाठ के दौरान माताएं अपने गले में लाल या पीले रंग का गुथा हुआ जिवतिया पहनती हैं। इसी के साथ कुछ महिलाएं अपने गले में सोने का बना जिवतिया भी पहनती हैं। यह पूर्ण रूप से श्रद्धा और यथाशक्ति पर निर्भर करता है। कुछ महिलाएं अपनी मन्नत पूरी होने पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देने के लिए वे थाल में विभिन्न प्रकार के फल और विभिन्न चीजें सजाती हैं। फिर उसके बाद वे पूजा पाठ करती हैं और भजन कीर्तन आदि करती हैं। इसके बाद अगली सुबह होता है पारण। पारण करने से पहले भी पूजा पाठ करना चाहिए। बहुत सी महिलाएं पारण की शुरुआत दूध के सेवन के साथ करती हैं। वहीं बहुत जगहों पर पारण के लिए कुछ निर्धारित पदार्थों का सेवन किया जाता है, जैसे कि पारण में कढ़ी को शामिल किया जाता है, दही बड़ों को शामिल किया जाता है, साथ ही तोरी और चने की सब्जी भी पारण में शामिल की जाती है। इस त्यौहार को आमतौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे प्रांतों में मनाया जाता है। इसी के साथ नेपाल में भी इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पर इस त्यौहार को मनाने के अलग अलग तरीके हैं, परंतु भावना सिर्फ एक, वो ये कि अपनी संतान का सुख। जी हाँ, कहते हैं कि माँ अपनी संतान के सुख के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और यह व्रत उसी बात का प्रमाण है। आप सभी माताओं और बहनों को
इस पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपका यह व्रत बहुत सरलता से संपन्न हो जाए। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।